नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जितने भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को पहले सबसे पहले तो लाइक और शेयर इस वीडियो को कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज जो एक मुद्दा मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। क्योंकि कई बच्चे बोलें कि सर आप इस पर वीडियो बना दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे इतने ज़्यादा उनको लग रहे हैं कि सर फेक सर्टिफिकेट मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बच्चे बनवा रहे हैं। तो चलिए इस पे मैं परिचर्चा करूँगा कि ये फेक सर्टिफिकेट जो कई बच्चे जो हैं इसका सहारा ले रहे हैं, तो मैं एक शिक्षक के तौर पर आप लोगों को बस यही बात बोलूँगा कि यदि अगर आपने जेन्यून तरीके से सही तरीके से ईमानदारी के साथ अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट किया है ओ लेवल का, चाहे डिप्लोमा का, चाहे जो भी हो, ADCA DCA कुछ भी हो, ठीक है, जिसमें आपने एडमिशन लिया पढ़ा और उसका सर्टिफिकेट हासिल किया, मतलब ईमानदारी के साथ आपने चला है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों ने ये दूसरा रास्ता अपनाया है जो वाकई ही बहुत गलत रास्ता है। ये एक जॉब के लिए आपकी पूरी जिंदगी अंधकारमय हो सकती है, ये आप लोग ध्यान से सुन लेना, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि हम पहचाने नहीं जाएंगे, जहाँ दो चार होता वहाँ तो चलता है कि चलिए DBPST में आप निकल जाते हो। यहाँ पर बच्चों ने, जो बच्चे जेन्यून हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करते आ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका हक भी है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो UPPRPV बोर्ड तक ये खबर सब कुछ पहुँचा दिए हैं, जहाँ भी उनके संज्ञान में ऐसी चीज़ें आई हैं। तो मैं बस एक शिक्षक के नाते आप सभी का मैं भला चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर आपने किसी के बहकावे में आकर कि नहीं ले आओ मैं सर्टिफिकेट बनवा दूंगा ऐसा कोई भी काम किए हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि उसका कुछ भी नहीं जाएगा उस बंदे का जो आपसे मिलकर ये कहा होगा कि मैं सर्टिफिकेट बनवा दे रहा हूँ, मैं ये करा दे रहा हूँ, कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप पकड़े नहीं जाओगे। कितना भी हो, अगर मैं एक टीचर वैकेंसी की बात करूं तो टीचर वैकेंसी में काफी फर्जी सर्टिफिकेट पकड़े गए और उनके साथ जो भी हुआ मैं बताना नहीं चाहता हूं कि इतने ज्यादा जुर्माना लगे, ऊपर से बेइज्जती जो भी होता है समाज में वो अलग सा हो जाता है, ठीक है, फिर आप किसी जॉब के लायक नहीं रहते हो। तो इन सब चीज़ों का सहारा मत लीजिए, जिंदगी बहुत लंबी है, कई सारी नौकरियां आएंगी, आप जो है अलग से ट्राई कर सकते हो, ईमानदारी के साथ चलोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जितने भी किसी के बहकाव में आकर फेक सर्टिफिकेट का इशू किए हैं वो लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर DBPST में आप पकड़े गए तो आपके ऊपर धारा 463, 420, 467 इनके तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और फिर आपकी ज़िंदगी एकदम नरक बन जाएगी, ऊपर से बदनामी जो है वो तो होनी ही होनी है, ठीक है। तो ये संज्ञान, क्योंकि चीज़ें पहुंच चुकी हैं बोर्ड तक, बच्चों ने खुद इस पर जो है लेटर भेजा है, मेल भेजा है, और जो बच्चे रियली ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो उन बच्चों का सपोर्ट करिए। जो उन बच्चों के साथ नहीं है, रियल में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपने हक के लिए जरूर लड़ाई लड़िए, जितना ज्यादा हो सके UPPRPV का जो मेल है वहां पे जाके कांटेक्ट करिए, उनसे मिलिए, उनके साथ एक साथ ग्रुप ज्वाइन करिए, उनके मैसेज ग्रुप में पढ़े हो आप जुड़ सकते हैं वहां पे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों ने यूनिवर्सिटियों के नाम लिए, संस्थाओं के नाम लिए, मैं पूरी तरह से उनको गलत नहीं कहूंगा, ठीक है, वो अभी UGC से ब्लैकलिस्टेड संस्थाएं नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल कोई और करके फर्जी सर्टिफिकेशन उसी नाम से दिया जा रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि वो आज के समय में दे रही है, उसका इतिहास खंगाला जाए उन यूनिवर्सिटियों का तो इससे पहले भी उन पे आरोप लग चुका है, ठीक है, कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बांटे हैं। अभी मैं कुछ दिखा दे रहा हूं आप लोगों को जो बच्चों के प्रूफ हैं, देखो ऐसे कुछ हमें मिले हैं, देखो, फर्जी डिग्री बांटने मामले पर यूनिवर्सिटी के VC समेत 4 अधिकारियों पर केस। ये आज का नहीं है, ये 2018 का है, और ये किस यूनिवर्सिटी का है, ये यूनिवर्सिटी आपके CV रमन की है, जो सबसे ज्यादा इस समय देखने को मिल रहा है कि इससे ज्यादा फर्जी में शायद कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। कोई इंटरमीडिएटर है जो बनवाने का बोल रहा है कि आप मुझे इतना पैसा दो मैं आपको जेन्यून सर्टिफिकेट, आप बच्चे हो, आप सर्टिफिकेट देखकर एकदम नहीं अंदाजा लगा पाओगे कि वो ओरिजिनल है या फेक, लेकिन बोर्ड ने इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी, अगर आप उस सर्टिफिकेट के पास साथ जाओगे तो इतना जान लेना कि अगर पकड़े जाते हो तो उस इंटरमीडिएटर का कुछ भी नहीं होगा, आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा केस होता है कि कोई फर्जी इंस्टीट्यूट से आपने ईमानदारी के साथ कोर्स किया, आपको सर्टिफिकेट भी मिला,
लेकिन आपको पता नहीं कि वो जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो फर्जी था, तो उस केस में आप पे उतना दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इंस्टीट्यूशन को दिक्कत झेलना पड़ जाएगा। यहां क्या है, यहां आप भी झेलोगे और इंस्टीट्यूट वाला है वो तो झेलेगा, उस पर तो कार्रवाई होगी कि क्या ये डिग्री तुमने किया कि नहीं, उस पर पूरा एक जांच चलेगा। ठीक है, तो ऐसे कई केसेस मिले, मैंने पूरा खंगाला इतिहास सीवी रमन का। तो 2018 की बात है कि ऐसे जो देखने को मिले थे छत्तीसगढ़ में, जो भी रिक्रूटमेंट हुआ था और भी बाहर रिक्रूटमेंट हुए थे, तो सीवी रमन से फेक जो है सर्टिफिकेट बनाए गए थे काफी मात्रा में। तो उस समय ये केसेस चलाए गए थे, वीसी को सस्पेंड भी किया गया था और भी लोगों को, कि ऐसे कैसे आपका नाम यूज करके लोग सर्टिफिकेट कैसे इशू कर दे रहे हैं। ठीक है, और वो ऑनलाइन भी शो होने लगते हैं, ये भी सब चीजें मामला है। तो ये सब मामले जो है उसी समय के थे। देखिए छत्तीसगढ़ न्यूज का है, फर्जी डिग्री में हाईकोर्ट ने सीवी रमन यूनिवर्सिटी से मांगा जवाब। ठीक, तो ये सब चीजें हैं, तो जो कहीं ना कहीं सीवी रमन की कुछ मार्कशीट कहीं ना कहीं आपके फर्जी घूम रहे हैं मार्केट में। तो जितने बच्चे जेन्युइन तरीके से ईमानदारी से आप लोगों ने ओ लेवल की इक्विवेलेंट जो डिग्रियां हैं उसको किया है, क्योंकि कोई 15 दिन में सर्टिफिकेट बनवा लिया और आपने साल भर मेहनत करके किया है, तो ये तो गलत है और इसका मैं फेवर नहीं करता हूं। साफ सीधी बात है, जितने बच्चे ईमानदारी के साथ खड़े हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन बेईमानी के साथ मैं नहीं खड़ा हूं, ये बात जान लीजिए। ठीक है, तो अभी और कुछ मैं दिखा दे रहा हूं आपको, कुछ ये देखिए वीडियो है जो आपको यहां पे प्रिंटर से सर्टिफिकेट निकाले जा रहे हैं उसके वीडियो है, इसको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं उपलब्ध करा दूंगा, बल्क में सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पे मैं बता रहा हूं जो 2018 और 19 की ये न्यूज थी। ठीक है, विश्वविद्यालय के कुछ डिस्टेंस लर्निंग जो सीवी रमन के कुछ कोर्स थे उसको एक तरह से इनवैलिड मान दिया गया था। डिस्टेंस लर्निंग, पहले सीवी रमन से कोर्सेज चलते थे 1 ईयर के डिप्लोमा के, उसको यूजीसी ने खारिज कर दिया कि ये डिस्टेंस लर्निंग नहीं करा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो डिस्टेंस लर्निंग का कोई आपको बहकावा किया हो तो उसको तो खारिज हो चुका है, वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम नहीं चलाता है, ये ध्यान रखिएगा। वो तभी हुआ था जब ये छत्तीसगढ़ में ये फेक सर्टिफिकेट के केसेस बढ़े थे, और उसी समय का ये है न्यूज, आप लोग न्यूज सर्च मारना सीवी रमन के फर्जी सर्टिफिकेट के बारे में तो आपको आ जाएगा। मैं सीवी रमन की ही सिर्फ नहीं की बात कर रहा, पता चले कुछ बच्चे गुस्से हो जाए, और भी कई हैं, राजीव गांधी करके हैं उसके भी सर्टिफिकेट मिले हैं। ठीक है, बल्क में कई यूनिवर्सिटियां, सुवार्थी यूनिवर्सिटी का भी केस मैं बताऊंगा यूपी का, उसमें भी 2018 में केस चला था फेक जो है सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, अभी दिखा रहे हैं हम आपको एक न्यूज 2021 अगस्त 2021 की बात है, 19 अगस्त सीवी रमन यूनिवर्सिटी के 4 सप्ताह में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, नहीं तो याचिकाकर्ताओं को देना होगा 1-1 लाख का हर्जाना। यह भी क्या हुआ था कि डिग्री बिना कुछ वजह से ही उसके अंक पत्र और डिग्री जो है बना दिए गए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी इन मामलों में रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो जेन्युइनली ईमानदारी से अगर इस यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया तो आपको घबराने की बात नहीं है। ये मैं भी बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि ब्लैकलिस्टेड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी के लिस्ट में ब्लैकलिस्टेड यूनिवर्सिटी में इसका नाम नहीं है, जहां 2020-21 में जाओगे तो। लेकिन इसके कोर्स, कुछ कोर्सेस को ब्लैकलिस्टेड किया जा सका, किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और जब आपका सही तरीके से जांच हो रहा है इस पे, इससे डाटा भी माना गया है, क्योंकि जो जो आयोग के यूपीपीआरबीबी बोर्ड के नजर में जो संस्थाएं गई हैं उनसे डाटा मांगा गया है कि आप अपने स्टूडेंट का डाटा प्रोवाइड कराइए। तो जब डेटा उनके पास रहेगा और आप जाओगे सर्टिफिकेट लेके और उस डेटा में आपका नाम रहेगा, तो वहीं पे समझ लो आपका क्या होगा, वहां से फिर घर वापस नहीं आ पाओगे, ये भी जान लेना। ठीक है, तो ये न्यूज रहा। 75 प्रमाण पत्र मिले हैं, जांच टीम जाएगी यूनिवर्सिटी, ये किसकी है, ये 2018 का 22 जुलाई 2018 दिख रहा होगा। ठीक है, ये दैनिक जागरण, देखो जागरण की न्यूज है, और यहां पर देखो आपकी पुलिस टीम है, एसआईटी टीम है। ठीक है, ये कहां गई थी, ये सुभारती यूनिवर्सिटी, इसका भी नाम सामने आ रहा है, बच्चे लेकर आ रहे हैं, तो ये सुभारती यूनिवर्सिटी का भी केस है और इसके भी बच्चे खुद जो है यहां से बनवाए हैं, ये मिला है प्रमाण, कुछ तो बच्चों ने बोला है कि यहां से बन रहा है, किसी ने कहा है बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर इंटरमीडिएटर आपका इस यूनिवर्सिटी के बना के दिखा रहा है और ऊपर से यह भी दिखा रहा है कि आपका डेटा ऑनलाइन फीड है, तो वो समझ लो आपको बहका रहा है, किसी ना किसी प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू आपको डेटा ऑनलाइन दिखा रहा है। इसका मतलब नहीं कि गूगल पे जो चीज शो हो रहा है वो सब फेक नहीं है, सब सत्य है। मेन है उस यूनिवर्सिटी के सर्वर पे आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, सर्वर मतलब वहां के डेटा पे
जो यूनिवर्सिटी का डेटा है वहां आप रजिस्टर हो कि नहीं हो। एक नाम से दो वेबसाइटें हो सकती हैं, एक ही लिंक से दूसरा प्रॉक्सी सर्वर बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें बहुत बड़ी हैं, जब इन पे बड़े लेवल पे जांच होती है, ठीक है, तब आपका डिसाइड होता है। और जब यहां से डेटा मांगा गया है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वैसे भी आप पकड़े जाओगे अगर इस डिग्रियों के साथ आप जाते हो, अगर फर्जी बनवाए हो तो। ओरिजिनल हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने ये लेटर लिखकर, ईमेल लिखकर जो है यूपी पीआरपीबी बोर्ड को भेजा था, इसका फॉर्मेट आपका पड़ा हुआ है टेलीग्राम पे, वहां से आप देख सकते हो और मेल कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेल करो, ताकि जो बच्चे ईमानदारी के साथ मेहनत किए हैं, उनके स्कोर हैं, वो सेलेक्ट हों। बेईमानी के साथ चलने वाले लोगों के साथ मैं नहीं हूं, तो मैं कभी भी उनकी ये नहीं कहूंगा कि वो सेलेक्ट हों, क्योंकि मेहनत करिए, जो बच्चे मेहनत किए हैं उनको मौका दीजिए। एक बार खुद अपने ईमान से पूछिए कि क्या आप सही कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर आप पकड़े जाते हो तो आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, लेकिन लाइफ लंबी है, बहुत से जॉब आएंगे, गलत रास्ते का उपयोग ना करो, मैं लास्ट में यही कहूंगा। और मेरा यही संदेश है कि आप लोग जितने भी हो, अगर किसी के बहकावे में हो, तो पहले से ही अपने आप से खुद से पूछ के देख लो कि क्या यह रास्ता सही है या गलत है, अंदर की जो आवाज है भाई वही करो, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ईमानदारी के साथ जा रहे हैं, उनके साथ बच्चों जो ईमानदार वाले हैं उनको सपोर्ट करो। वो 6 या 7 तारीख में लखनऊ आने वाले हैं, उनसे मिलो, उनसे ग्रुप बनाओ और जो भी आपकी बातें हैं वो आयोग तक पहुंचाइए। तो चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।